ये ना आपका लगन चार्ट फर्स्ट हाउस है, सातवीं राशि है, सेवंथ हाउस है, पहली राशि है। तो क्या आपको मालूम है कि असल में यदि मैं आइडियल चार्ट कहूं तो उसमें यहां फर्स्ट राशि होती है, यहां सेकेंड, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व। इस चार्ट में सारी राशि अपने से ऑपोजिट में चली गई है, तो उससे नुकसान तो होगा जिसका भी ये चार्ट है। मतलब वो बहुत स्ट्रगलिंग रहेगा कि सारी राशि की प्लेसमेंट ही 180 डिग्री ऑपोजिट हो गई है। सबसे पहले जब भी आप चार्ट देखते हो ना, आपको देखना होता है कि राशियां कौन सी कंफर्टेबल रहेंगी, कौन सी नहीं। जैसे यहां पे मेष राशि है, मेष राशि की किसके साथ दोस्ती है? दोस्त राशि यदि यहां पे आ जाएगी तो गुड है, और दुश्मन वाली राशि यदि यहां आ गई, मेष राशि की जो दुश्मन राशि है, तो वो राशि अनकंफर्टेबल नहीं रहेगी। सबसे पहले ये बात देखनी होती है। दूसरी बात देखनी होती है प्लैनेट्स की, ग्रह। जैसे सन यहां पे आ गया तो मंगल का घर है, सन आ गया गुड है, पर का सन किस राशि में आ गया? सातवीं राशि में। तो सातवीं राशि में तो वो डेब्लिटेटेड हो जाएगा, नीच हो जाएगा, तो सन के तो इफेक्ट सारे खत्म हो गए। जो सन ने देना था लगन को, इस बंदे को, सन बिल्कुल उसे उल्टा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये देखना होता है प्लैनेट्स के बारे में। अब बुध को देखना है, बुध यहां पे आया हुआ है, किसका घर है? मंगल का। तो मंगल के घर में बुध आना, आप खुद ही अंदाजा लगाओ कैसा होगा। हाँ, बुध क्योंकि बोलचाल है, वाणी है, वाणी है आपकी, थोड़ा बिजनेस है, तो ये चीजें उसके बंदे के उसके अपने अंदर आएंगी, वाणी अच्छी होएगी। पर बुध बैठा कहाँ पे है? एक तो सन की प्रेजेंस में है, सन की प्रेजेंस में अस्त हो जाता है। तो दूसरा, बुध का यहाँ होना वीनस की राशि में, शुक्र की राशि में, तो वो ठीक है। तो बुध के रिजल्ट थोड़े मिक्स होंगे, बट बुध अस्त भी हुआ है। ऐसे आपने और ग्रहों को देखना होता है। शुक्र यहां आ गया, अब शुक्र ये घर किसका है? ये पैसे का घर है, और शुक्र की अपनी राशि दूसरी राशि का घर है, तो शुक्र उस वजह से तो ठीक है। पर ये घर बनाया किसने हुआ, अब कंस्ट्रक्शन किसने किया? मंगल ने। मंगल ने यहां घर बना के, तो मंगल खुद कहां चला गया? रिलीजन के घर में। तो मंगल का घर बना हुआ, तो वो घर थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर का रहेगा, जिसमें पैसा तो लग्जरी तो रहेगी बट अग्रेशन के साथ। ऐसी आपको ना और देखोगे, गुरु यहां पे है, घर किसका, एक्चुअली जमीन किसकी है? जमीन की मैं बात करूं, जैसे ये जमीन किसकी थी? मंगल की। घर बनाया किसने है? सातवीं राशि वीनस ने। ग्रह कौन रहा है? सन और मरकरी। ये जमीन किसकी है? ये जमीन है दूसरी राशि, मतलब शुक्र की। घर बनाया किसने है? मंगल ने। तो मंगल आप खुद कहीं और चला गया, मंगल ने किराए पे दे दिया किसको? शुक्र को। ऐसे ही ये जमीन किसकी थी? बुध की। तो उसमें घर बनाया किसने है? गुरु ने। तो गुरु खुद ही रह रहा है, तो कितनी अच्छी बात है गुरु का खुद रहना। साथ में सैटर्न भी है, तो चलो सैटर्न भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे देखते हैं चार्ट को। जमीन किसकी है? चंद्र की। घर बनाया किसने? सैटर्न है वहां पे। तो सैटर्न कैसा घर बनाएगा चंद्र में, चंद्र की जमीन पे? और सैटर्न आप कहाँ रह रहा है? उससे जस्ट एक घर पहले। तो जस्ट एक घर पहले इस घर का बारवां होता है, तो लॉस करेगा ये, भले इसमें सुख नहीं मिल पाएगा। अब केतु महाराज यहाँ पे पांचवें घर में है, तो पांचवें घर में केतु वैसे अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता, डिटैचमेंट होगी यहां से। तो ऐसे इसको ना, सारे हाउसेस को ऐसे ही देखना होता है। जैसे ये हाउस है लक का, इसमें जमीन किसकी है? गुरु की। घर बनाया किसने है? बुध ने। और बुध बैठ कहां गया? लगन में। और रह कौन रहा है इसमें? मंगल और मून। उस हिसाब से ही सारा कुछ अच्छा है। यहां पे आ जाओ घर ग्यारहवे में, तो जमीन किसकी है? शनि की। घर बनाया किसने? सूर्य ने। रह कौन रहा है? राहु। तो ये सारा कुछ गलत हो जाएगा, इट इज नॉट गुड। तो
इस तरह से देखते चार्ट को, जब भी आप चार्ट देखते हो ना, साथ में लगन चार्ट भी देखना होता है। इसी से फैसला नहीं ले लेना कि ये वाला हाउस खराब हो गया। आप लगन चार्ट भी देखोगे कि यहाँ पे लगन में इसमें ग्यारहवीं राशि या मून रह रहा है, तो लगन यहाँ भी ठीक नहीं है। तो ये तो पक्का ही हो गया कि लगन दोनों में खराब हो गया। जब भी आप चार्ट देखोगे, इसको भी देखोगे, नमाइशा को भी देखोगे, तो उसी से आप टोटल रिजल्ट्स देखोगे क्या है। फिनिश।